कोविड महामारी से आज भारत ही नहीं पूरा विश्व परेशान है। तब तक हमें सभी को इस लड़ाई को लड़ना है। घर से निकलते समय मास्क लगाना न भूलें। मास्क लगाना जरूर है पर अधूरा नहीं। सैनिटाइज करें खुद को बार बार। भीड़ में शामिल होकर न हो बेकार। कोरोना को यदि रखना है दूर, बाजार में रखें सोशल डिस्टेंसिंग जरूर। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना वायरस से सावधान रहें, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। स्वच्छता अपनाओ, कोरोना को जड़ से निपटाओ। देखिए, जैसा कि सबको पता है कि कोरोना का दूसरा फेज भयंकर रूप से सारे देश के अंदर पसार चुका है। इसे केसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं और ये जो बीमारी है कोरोना का जो दूसरा म्यूटेंट वाई, ये जो बीमारी कोरोना की हो रही है आज तारीख में, ये म्यूटेंट वायरस से हो रही है। जो पहले वाला वायरस था उससे ज़्यादा खतरनाक है वायरस, और इससे हमें इसकी बीमारी ज़्यादा भयंकर होती है और प्राणघातक होती है। इसलिए बीमारी से बचाव इसका उपचार है। हमें इस बीमारी से बचना है और बचने के लिए हम नियमित रूप से घर से बाहर न निकलें। सबसे बड़ी चीज़ तो है घर से अनावश्यक रूप से यात्रा न करें, अनावश्यक रूप से बाजार में न घूमें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क का हमेशा उपयोग करें एवं बार बार साबुन से हाथ धोएं। मॉर्निंग के अंदर आप योगा प्राणायाम तथा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सनलाइट में करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सनलाइट में साथ में विटामिन डी मिलेगा, जिसकी रेजिस्टेंस पावर, जिससे जो शरीर की रेजिस्टेंस पावर बढ़ती है। तो मॉर्निंग में आप सनलाइट के अंदर आप प्राणायाम करें, योगा करें और ब्रीदिंग सांस की कसरत करें तो वो आपके लिए लाभप्रद होगी और आपको उससे फाइट अच्छी तरह कर पाएंगे आप और उससे बच पाएंगे। यदि आपको कोई बीमारी फिर भी बुखार उखार आता है तो आप तुरंत चिकित्सक को दिखाएं, परामर्श लें और घर पर इलाज न करें, क्योंकि घर पर इलाज करने से हो सकता है आप बीमारी को बढ़ा दें। बीमारी को बढ़ाने से बीमारी बढ़ जाएगी तो फिर हो सकता है वो लाइलाज हो जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि आप समय पर परामर्श दें, आप भर्ती न हो लेकिन परामर्श अवश्य ले और उसका एक मतलब एलिजिबल इलाज उसका प्रारंभ कर दें ताकि आप कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। देखिए, मैं डॉक्टर प्रियदर्शी शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट सुधा हॉस्पिटल कोटा। सबसे पहले आप लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा और ये जानकारी भी देना चाहूँगा कि कोविड जो पिछले फरवरी मार्च से हिंदुस्तान और पूरे संसार को ग्रस्त कर रहा है, उसकी जो पहली लहर आई थी वो पिछले साल अगस्त सितंबर अक्टूबर में रही थी। उसी तरह से आज के समय में जो अभी अपना मार्च ख़त्म हुआ, अप्रैल आ रहा है, एक बहुत ही स्टीप राइज हुआ है केसेस में, जिसको कि दूसरी लहर माना जा रहा है। और ये दूसरी लहर पिछली लहर के मुकाबले बहुत त्वरित गति से डबल होती जा रही है। पहली लहर जनरली 23 दिन में पेशेंट डबल कर रही थी, जो कि आज 10 दिन में पेशेंट डबल कर रही है। हम लोगों को और आमजन को इससे बचने के लिए वही उपाय करने हैं जो हमें शुरू से बताए जा रहे हैं। विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि आमजन को इस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए कि इसका स्ट्रेन बदल गया, नया वायरस आ गया। ये आमजन के लिए नहीं है। स्ट्रेन बदल गया, उसके वायरस के किटनों के प्रारूप में कोई बदलाव हो गया, ये सब साइंटिफिकली चीज़ें और ये साइंटिस्टों के लिए है। आम आदमी के लिए तो जो वायरस पहले था वही वायरस अभी है। सबसे विशेष जो बात है वो आप जो अपने लिए कर सकते हो और जो समाज के लिए कर सकते हो वो ये है कि आप बराबर पूरी रूप से मास्क पहने, डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। देखिए, जान है तो जान है, आप सिर्फ अपनी जान की परवाह करो, दूसरे की जान अपने आप बच जाएगी। आप खुद मास्क लगाओगे, दूसरे को अपने पास नहीं आने दोगे, 6 फीट की दूरी रखोगे तो अपने आप सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी, वो नहीं चाहेगा तब भी। इसी तरह से दूसरा इंसान कोई आपके सामने बिना मास्क के होता है तो आप उसको प्रेरित करो कि भैया मास्क लगा, तेरी वजह से हमारी जान को खतरा है। तो अपने आप रेसिप्रोकेशन होगा और ये जो ये लहर बढ़ रही है, ये लहर अगर इस तरह से आमजन, हर आदमी सजग होके हर घर में, हर परिवार में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर जिले में, तो अपने आप ये वापस जो संक्रमण इतनी तेज़ी से फैल रहा है वो अपने आप कम होने लग जाएगा।